दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट चैनल पर। और भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 100 बॉल मेंस टूर्नामेंट के फाइनल मैच की, जो कि खेला जाएगा साउथर्न ब्रेव वर्सेस बर्मिंगम फियोनिक्स के बीच में। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी मिल जाए ना, तो भाई मेरी गारंटी है आपको, मैंने इस वीडियो के लिए इतनी डिटेल में भाई पूरी रात मेहनत करके रिसर्च करके फिर मैंने आके सारे रिकॉर्ड्स स्टैट्स निकाले हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मतलब अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी ना, तो आप ये यहाँ पर जो 4 करोड़ की ग्रैंड लीग लगी है ना, इसमें आप बिल्कुल एक तरफा जैकपॉट विनिंग मार सकते हो। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप जैकपॉट विनिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। लेकिन भाई मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली ना भाई, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला और साथ ही आप बिल्कुल इजीली क्लीन स्वीप कर लोगे। यहाँ पर मैं आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब कुछ बिल्कुल डिटेल से कवर करने वाला हूँ। एक एक मैच के रिकॉर्ड्स निकाल कर लाया हूँ भाई, एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड निकाल कर लाया हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना, अगर आप वीडियो पर आए हो ना तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो ताकि आपके भाई का मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत और रिसर्च कर करके वीडियो लाता रहूँ। तो भाई अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग, तो ये मैच आपको पता ही है आज रात को 11 बजे खेला जाएगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। अगर बात करें इंग्लैंड की टाइमिंग की, तो 7 बजे खेला जाएगा भाई ये इंग्लैंड की टाइमिंग के हिसाब से। वेन्यू की बात करें तो भाई लॉर्ड्स, जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है भाई, लॉर्ड्स ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा। और जो बात करें अगर पिच रिपोर्ट की इस मैच की, तो पिच रिपोर्ट आपको बता दूं भाई, बैटिंग के लिए ये विकेट काफ़ी अच्छी है, लेकिन कंडीशन है भाई यहाँ पर कुछ, अगर बैट्समैन टिक के बल्लेबाजी करेगा ना, तो यहाँ पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, ठीक है। बात करें यहाँ पर वेरिएशंस की, तो जो बॉलर्स हैं उनके लिए भाई वेरिएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही भाई यहाँ पर है ना पिच पर जो मतलब वेदर रिपोर्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि वेदर के ऊपर इस पिच का मिजाज चेंज होता रहता है। अगर मतलब ये मान लो कि आधे आधे घंटे में भी इस पिच का मिजाज चेंज होते हुए देखा है हमने इस द 100 मैन्स टूर्नामेंट के जो मैचेस थे उनमें भाई, मतलब हर आधे आधे घंटे में भी यहाँ पर पिच का मिजाज चेंज हुआ है। मैं आपको आगे प्रूफ भी दूंगा, आप देखते रहो बस वीडियो को, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई इतने डिटेल में इतने डीपली आपको कोई भी नहीं बताने वाला। और भाई जो डीपली एनालिसिस करोगे ना और डीपली एनालिसिस करके उनके बेस पर टीम बनाओगे, तभी भाई आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। अगर ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन से टीम बनाओगे ना, तो भाई ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन से तो सभी टीम बना के आ रहे हैं, तो ऐसे तो भाई ना तो आप ग्रैंड लीग विन करोगे, और ग्रैंड लीग विन तो क्या भाई, विन करना तो छोड़ो, आप आसपास भी नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल डीपली एनालिसिस भाई, जल्दी से आप देख लो वीडियो, और भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बात करें यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, तो भाई स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में यहाँ पर पेसर्स को मतलब जो स्विंग बॉलर्स हैं उनको स्विंग मिल सकती है। और दूसरी बात भाई यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की बात करेंगे आगे चल के, तो वेदर रिपोर्ट आप देख सकते हो इस मैच में 50 से 65% तक चांस है कि बारिश आई। और ये मैंने बताया आपको मैच के टाइमिंग की बात कि भाई 50 से 7 बजे, मतलब शाम को 7 बजे जो चांसेज है कि 50 से 65% चांसेज है यहाँ पर बारिश आए। लेकिन भाई पूरे दिन की बात करें, अगर सुबह से लेके मान लो पूरे दिन की बात करें, तो भाई ये मान लो 90% चांसेस है कि बारिश आएगी आएगी। तो भाई इस मैच में बारिश का भी खलल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए मैच हेड टू हेड के लिए तो रिस्की होने वाला है। लेकिन ग्रैंड लीग में यहाँ पर आप जैकपॉट मैच विनिंग कर सकते हो, तो भाई ग्रैंड लीग के लिए अगर आप खेलते हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर वीडियो कम्प्लीट देख लेना। अब बात करें नंबर 3 की, तो भाई डे नाइट मैच है, तो ड्यू फैक्टर भी यहाँ पर आ सकता है। दूसरा मौसम भी ऐसा ही बारिश का है, तो भाई ड्यू फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन कंडीशन है भाई यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है तो ही ड्यू फैक्टर काम आएगा, अदरवाइज तो भाई फिर तो मैच का वैसे मजा बिगड़ जाएगा सारा। बात करें नंबर 4 पॉइंट की, तो भाई जो मिडिल ओवर्स है ना उनमें स्पिनर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं है कि इस पिच पर पेसर्स को ही हेल्प मिलती है, इस पिच पर स्पिनर्स को ही हेल्प मिलती है, फिर ये बैटिंग पिच है भाई, तीनों का जो बिल्कुल मतलब ये मान लो बिल्कुल परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इस पिच पर बनाया गया है। वैसे भाई अगर देखा जाए नॉर्मल मैचेस में तो ये पिच स्लो हो जाती है, लेकिन भाई यहाँ पर जो ओवरकास्ट कंडीशन है उनमें स्लो होने का कोई चांस ही नहीं है पिच का। बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो भाई टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री तक रहने वाला है। और अगर रेन की बात करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया 50 से 65% यानी कि 50 से 65% तक चांसेस है कि शाम को बारिश आए गेम में। बात करें आगे बात करें, तो भाई टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई टेलीग्राम पर मैं आपको सबसे पहले सारी अपडेट देता रहता हूँ, और टॉस के बाद भाई मैं आपके लिए सारी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नाम भी आप देख सकते हो @KPMFantasyExpert लिखकर आप टेलीग्राम पर सीधा सर्च कर सकते हो। अदरवाइज भाई बाकी भाई सबसे इजी तरीका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब भाई बात करें अगर ग्राउंड पर जो मैच खेले गए हैं, यहाँ पर भाई 4 मैच खेले जाने थे लेकिन एक मैच तो बारिश की वजह से मतलब स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, एक बॉल भी नहीं फेंकी गई। बात करें यहाँ पर मतलब बाकी 3 मैच जो खेले गए हैं, तो पहला मैच खेला गया था भाई 29 जुलाई को 2021 को, और भाई ये 10वां मैच था इस टूर्नामेंट का जो कि खेला गया था ट्रेंट रॉकेट्स और वर्सेज लंदन स्पिरिट के बीच में। तो भाई इन दोनों की बात करें तो भाई पहले ना बैटिंग करते हुए ट्रेंट रॉकेट्स ने 123 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, और बात करें लंदन स्पिरिट्स की तो भाई 116 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर आप देख सकते हो मतलब ऑल आउट कोई भी टीम नहीं हुई, तो पूरे मतलब 100-100 बॉल दोनों टीम्स ने यहां पर खेले हैं। लेकिन अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा स्कोर बना है, लेकिन भाई भाई अगर आप नीचे देखोगे बात करोगे मैन ऑफ द मैच की, तो ऐसे डार्सी शॉट अकेले ने भाई 123 रन में से ये मान लो ऑलमोस्ट 70 रन अकेले एक बैट्समैन ने बनाए हैं। इससे पता क्या पता लगता है, जो मतलब यहाँ पर टिककर बल्लेबाजी करेगा ना वो यहाँ पर लंबा स्कोर जरूर बनाएगा, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज अगर अपनी विकेट फेंकेगा जल्दबाजी करेगा तो भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करेगा ना तो वो यहाँ पर रन बनाएगा ही बनाएगा। बात करें यहाँ पर विकेट रेशियो की, तो पहली इनिंग मतलब पहली इनिंग क्या दोनों इनिंग की यहाँ पर मैंने मिला के लिख रखी है, तो यहाँ पर भाई 2 तो रन आउट हुए थे लेकिन उसके अलावा 2 विकेट पेसर्स को मिले और 8 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब इस मैच में आप देखो स्पिनर्स का रोल कितना बड़ा रहा था। और बात करें अगर दूसरे मैच की जो कि 1 अगस्त को खेला गया था और इस टूर्नामेंट का 15वां मैच था, बात करें यहाँ पर साउथर्न ब्रेव वर्सेज लंदन स्पिरिट्स के बीच में मैच खेला गया था, यहाँ पर लंदन स्पिरिट्स ने 141 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और वही साउथर्न ब्रेव ने 145 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर और अपनी टीम को विन करवा दिया था। भाई यहाँ पर साउथर्न ब्रेव से मैच जीत गई थी। बात करें यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की, तो यहाँ पर क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट निकाले। अब यहाँ पर आप विकेट्स का रेशियो देखो भाई, मतलब 9 विकेट यहाँ पर पेसर्स को और 2 विकेट स्पिनर्स को, लास्ट मैच में 2 विकेट पेसर्स को और 8 विकेट स्पिनर्स को, तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई इस पिच पर है ना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो इस पिच पर प्रिडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए मैं आपको इतनी डीपली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगा ना तो ऊपर ऊपर से तो भाई मैं ये आपको एक एक मैच का रिकॉर्ड नहीं दिखाता, मैं बस दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 दिखा देता और भाई मतलब जो वेदर रिपोर्ट है वो दिखा देता, पिच रिपोर्ट है वो दिखा देता, बस मतलब इतने डीपली मैं आपको बिल्कुल नहीं लेके जाता। लेकिन भाई मेरे को आपको विन करवाना है, जब आप वीडियो पर आए हो तो मेरे हिसाब से भाई आप विन करने के लिए ही आए हो, तो विन मैं आपको करवा के जाऊंगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ छोटी से छोटी चीज भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन कंडीशन एक है भाई आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे मिस करोगे तो भाई बिल्कुल आपके लिए मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर भाई मेरी ये वीडियो बनाने का और आपका ये वीडियो देखने का, तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। बात करें नंबर 3 मैच की, तो भाई यहाँ पर ये 3रा मैच खेला गया था 3 अगस्त को 2021 को, मैच नंबर 17, और भाई ये खेला गया था नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेज लंदन स्पिरिट्स के बीच में। यहाँ पर भाई मैन ऑफ द मैच बने थे डेविड विली, डेविड विली ने भाई यहाँ पर 81 रन बनाए प्लस 2 विकेट निकाले। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी आधे से ज़्यादा रन सिर्फ एक बैट्समैन ने बनाए, क्यों बनाए भाई क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी की। साथ ही आप दूसरी इनिंग में देखो, मतलब पहली इनिंग में तो देख के ऐसे लग रहा होगा 155 रन पर 3 विकेट की, हाँ भाई बहुत बढ़िया विकेट है यहाँ पर बैटिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा स्कोर सेकेंड इनिंग वाले बनाएंगे। लेकिन अब सेकेंड इनिंग देखो आप 92 रन पर 9 विकेट। अब आप देखो मतलब अगर आप फर्स्ट इनिंग को हटा दो और सेकेंड इनिंग सिर्फ देखो, तो आप मतलब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर 155 रन बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल मतलब 100 बंदों से पूछेंगे तो 100 के 100 बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पर बने हैं भाई उसी मैच में बने हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर मतलब हर मैच में अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकल के आ रही हैं, हर 5 ओवर में पिच का मिजाज चेंज हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज यहाँ पर आने वाले। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, तो आप सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी जैकपॉट विनिंग मार सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें रेशियो की, तो यहाँ पर 6 विकेट स्पिनर्स को मिले और 6 विकेट ही पेसर्स को मिले, तो यहाँ पर बिल्कुल इक्वली रहा था रेशियो। बात करें यहाँ पर अगर एवरेज स्कोर की, तो 140 से 160 के बीच में एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ये तो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, बाकी ये मान लो 130 से 150 के बीच में भी देखने को मिल सकता है, तो आप 100 वैसे
140 से 160 के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर साउथर्न ब्रेव फर्स्ट बैटिंग करता है ना भाई, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे देगा। इनकी बैटिंग ऑर्डर मतलब बैटिंग डिपार्टमेंट काफ़ी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब बात करें भाई साउथर्न ब्रेव की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, जो इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है, यहाँ से बात करें पॉल स्टर्लिंग की जो ओपनिंग में आएगा और शायद 5 बॉल या 10 बॉल बॉलिंग भी करवाता नजर आए। इसके अलावा बात करें डीकॉक की, तो डीकॉक का सिलेक्शन इस मैच में काफ़ी हाई रहने वाला है। डीकॉक और भाई नीचे से लिविंगस्टोन दोनों का सिलेक्शन काफ़ी हाई रहने वाला है और हेड टू हेड मैचेज में और स्मॉल लीग में कैप्टन वॉइस कैप्टन की मारामार भी इन दोनों के ऊपर रहने वाली है। अब भाई यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कैप्टन वॉइस कैप्टन की भी चॉइस मैं आपको इस मैच में बताऊंगा। सारी सब कुछ आपके लिए निकाल कर लेके आया हूँ, तो बस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक आपको देखना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से अगर बात करें साउथर्न ब्रेव की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो आप देख सकते हो पॉल स्टर्लिंग, डीकॉक और तीसरे नंबर पर भाई आएंगे जेम्स विंस जो टीम के कैप्टन है, इसके अलावा एलेक्स डेविस और टीम डेविड। भाई यहाँ पर कोलिंडी ग्रैंडोम की जगह टीम डेविड को ट्राई किया गया जो कि काफ़ी अच्छे मेरे को ऑप्शन लगे हैं। अगर बात करें कोलिंडी ग्रैंडोम की रिसेंट फॉर्म की, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बात करें रोज वाइटले, तो भाई इस मैच में शायद रोज वाइटले की जगह पर कोलिंडी ग्रैंडोम को मौका दिया जा सकता है क्योंकि रोज वाइटले का इतना अच्छा यूज नहीं कर पा रही है टीम। जॉर्ज गार्टन भाई हमारे लास्ट मैच के हीरो जिसने हमें बिल्कुल एक तरफा इजीली विन करवाया था, तो यहां पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो जॉर्ज गार्टन है उसने हमें कितनी अच्छी विनिंग करवाई है। यहां पर जॉर्ज गार्टन भाई बहुत कम हमारे ओपोनेंट्स थे ना, उनमें से बहुत कम लोगों के पास जॉर्ज गार्टन था और हमारे पास जॉर्ज गार्टन था, तो हमने बिल्कुल इजीली काफ़ी अच्छी विनिंग की। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे कॉन्टेस्ट मतलब कोई आसपास भी नहीं है हमारे, 100-100 पॉइंट के लीड से ऐसे हमने विनिंग की है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई अगर आपको भी जैकपॉट विनिंग करनी है तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक देख लेना। तो बात करें ऐसे जॉर्ज गार्टन के बाद क्रेग ओवरटन की, तो क्रेग ओवरटन ने भी लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा टाइमल मिल्स ने विकेट निकाले और जेक लिंटोट ने भी विकेट निकाला है। जेक लिंटोट का भाई मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, शायद मेरे पक्का ध्यान नहीं है, बाकी जेक लिंटोट भी काफ़ी अच्छा बॉलर है, अगर विकेट नहीं भी निकाला है तो इस मैच में निकाल सकते हैं। बात करें स्टार्टिंग ओवर कौन कराएगा, तो भाई ओवरटन, गार्टन और टाइमन मिल्स ये तीनों गेंदबाज स्टार्टिंग के ओवर्स करवा सकते हैं। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, टाइमन मिल्स ये दोनों डेथ ओवर्स में आपको दिख जाएंगे। बात करें बर्मिंगम फिनिक्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो ऐसे विल स्मिड, फिनेलन और लिविंगस्टोन भाई ये तीनों ऊपर के ताबड़तोड़ बल्लेबाज रहेंगे और इन तीनों में भाई अगर कोई एक भी चल गया ना, तो ये मान लो काफी खतरनाक साबित हो सकता है वो साउथर्न ब्रेव्स के लिए। तो भाई इन तीनों का विकेट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए साउथर्न ब्रेव। तो अगर आगे बात करें तो भाई एबल भी काफी अच्छे बैट्समैन है। बात करें एम एमंड की, तो भाई ये बंदा मतलब कभी कभी तो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब देता है कि मन करता है कि इसको तो यार टीम में रखा ही क्यों है, और कभी कभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है। इसके अलावा बात करें क्रिस बेंजामिन, तो क्रिस बेंजामिन भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बेन ओवल भाई ऑलराउंडर सेक्शन में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, इनके बारे में अभी थोड़ी आगे चल के बात करूँगा फिर आपको समझ में आएगा। बात करें सी कुक की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सी कुक दिख जाएंगे। और इसके अलावा डी पेनिंगटन की बात करें, तो ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, इमरान ताहिर और पैट्रिक ब्राउन, ये तीनों बॉलर काफ़ी अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। अब यहाँ से बात करें स्टार्टिंग ओवर की, तो स्टार्टिंग ओवर एडम मिलने और पेनिंगटन और पैट्रिक ब्राउन ये तीनों करने वाले हैं, और भाई मिडिल ओवर्स में इमरान ताहिर रहेंगे। डेथ ओवर्स की बात करें, तो ऐसे पेनिंगटन, ओवल और मिलने ये तीनों आपको डेथ ओवर्स में भी दिख जाएंगे। बात करें ऐसे ओवल की, तो ओवल भाई यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ ओवल का क्या रोल रहेगा। ओवल भाई यहाँ पर मतलब मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है, ना तो ज़्यादा स्पीड है इनके पास कि भाई आए 140 से 150 के बीच में बॉल फेंकता है, ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ना ये ऑफ कटर्स, लेग कटर्स ये काफ़ी अच्छी यूज करता है, तो इन्हीं की वजह से ये अपनी वेरिएशन की वजह से विकेट चटका के ले जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और ग्रैंड लीग में भाई आप इसे ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, क्योंकि भाई देखो क्वेंटन डीकॉक और लिविंगस्टोन, भाई मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि इन दोनों को है ना, आप अगर 10 टीम भी बनाओ ना, तो एक टीम में भी आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई मत करना ग्रैंड लीग में। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल भी ट्राई मत करना। मतलब प्लेयर को अपनी टीम में लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। फिर भी अगर आप करना चाहो तो वाइस कैप्टन कर लेना, कैप्टन तो बिल्कुल ट्राई मत करना। हाँ, बात करें स्मॉल लीग और हेड टू हेड मैचेस की, तो वहाँ पर आपको लिविंगस्टोन सबसे अच्छा ऑप्शन है, और इसके अलावा मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, लिविंगस्टोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और डीकॉक और जेम्स विंस और जॉर्ज गार्टन, ये चार आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है हेड टू हेड और स्मॉल लीग में। अब बात करें ग्रैंड लीग में बेस्ट डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर ग्रैंड लीग, तो ऐसे आप देख सकते हो बेन ओवल काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके लिए, उसके बाद एडम मिलने और इमरान ताहिर, क्रेग ओवरटन, टाइमन मिल्स। मतलब मैंने पाँचों बॉलर, बेन ओवल तो आप ऑलराउंडर मान लो, बाकी मैंने पाँचों बॉलर से
आपके लिए इसलिए पिक किया है क्योंकि भाई यहाँ पर मतलब कोई भी इनिंग कोलैप्स हो सकती है, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़्यादा चांसेस है कि बॉलर्स हमें विनिंग करवा के दे देंगे, तो इसीलिए भाई मैंने रिस्क लिया है। यहाँ पर मैं बिल्कुल डिफरेंशियल पिक के साथ जा रहा हूँ, तो आप भी अगर चाहो तो जा सकते हो। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि आप इनको तो कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से ज़रूर ट्राई करना। बाकी स्मॉल लीग के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिए, तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और भाई एक बार मैं आपको प्लेयर्स के यहाँ पर सेलेक्शन परसेंटेज भी दिखा देता हूँ चल के, यहाँ से भाई एक बार मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्शन परसेंटेज भी दिखाऊंगा। भाई यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो भाई मैं आपको एक डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। बाकी मैं विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डीकॉक को रखूंगा, स्मॉल लीग की डेमो टीम बना रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर। और जेम्स विंस हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा विल स्मिथ हमारी टीम में रहेंगे, और भाई रोज वाइटल को आप चाहो तो रख सकते हो, बाकी ड्रॉप करके चल सकते हो। और टी एबल को अगर आप चाहो तो ट्राई कर लेना, मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा। इसके अलावा भाई एम एमंड को आप चाहो तो ट्राई कर लेना। देखो लास्ट मैच में तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उससे पहले काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप ऐसे मतलब यार एक बैट्समैन मेरे को थोड़ा यहां से भाई मैं एलेक्स डेविस के साथ जा रहा हूं। अब बात करें ऐसे अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऐसे लिविंगस्टोन का सिलेक्शन भाई काफ़ी सही है और काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर रखना। बेन ओला आपकी टीम में होने चाहिए, पॉल स्टिरलिंग आपकी टीम में होने चाहिए, ये तीन ऑलराउंडर आपकी टीम में हो गए। अब बात करें यहाँ से अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में आपको इमरान ताहिर आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, चाहो तो स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ज़रूर होने चाहिए। एडम मिलने आपकी टीम में होने चाहिए, क्रिस जॉर्डन आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी आप चाहो तो आप ऐसे क्रेग ओवरटन, जॉर्ज गार्टन, मैं अभी जॉर्ज गार्टन के साथ जा रहा हूँ। तो भाई ये मेरे तीन तो ऑलराउंडर हो गए। अब यहाँ से भाई थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्रेडिट इशू आ रहा है, तो यहाँ से क्रेडिट इशू सोल्व करने के लिए आप यहाँ से नीचे से पैट्रिक ब्राउन को ट्राई कर लेना। अब भाई जेक लिंटोट या फिर डी पेनिंगटन, इन दोनों में से किसी को ट्राई कर लेना, या फिर क्रैग ओवरटन, ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा क्रेडिट इशू वाला मैच रहेगा, तो मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बता दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अभी मैं भाई जेक लिंटोट के साथ जा रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार की हमारी फाइनल टीम होगी। अब आप देखो मेन खेल, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन देखो आप, कैप्टन यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा लोग लिविंगस्टोन के साथ जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में आप इन्हें बिल्कुल भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर यार ये परफॉर्मेंस भी देगा ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हालांकि चलो आपने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान तो यार 45 रुपये का नुकसान अगर आप नहीं झेल सकते तो फिर आपका ड्रीम इलेवन खेलना बिल्कुल बेकार है, फिर आप यहाँ पर गलत लाइन पर आ गए हो। आप भाई अपने कहीं पर कंपनी में 8 से 10 हज़ार की जॉब करो और मौज करो। तो अगर आप देखो नुकसान झेल सकते हो ना तो ही आप यहाँ पर आओ, बाकी स्मॉल लीग में आप बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, बट ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल भी मत बनाना। तो ऐसे कैप्टन भाई लिविंगस्टोन को बनाएंगे हम भी स्मॉल लीग में। बाकी मैं फाइनल अपडेट टॉस के बाद देखूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। अब भाई यहाँ पर सारा फोकस लोगों का यहाँ पर लिविंगस्टोन और डीकॉक और जॉर्ज गार्टन, भाई इन तीन चारों के ऊपर यहाँ पर सारा फोकस इनका रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं अभी भाई कैप्टन लिविंगस्टोन को बना रहा हूँ, और वाइस कैप्टन भाई मैं ऐसे जेम्स विंस को बना रहा हूँ। ये दो मेरे को काफ़ी अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं, जेम्स विंस देख के खेलते थे, जो डार्सी शॉर्ट और डेविड विली ने इस ग्राउंड पर इनिंग खेल रखी है, जेम्स विंस वो इनिंग खेल के जा सकता है। लिविंगस्टोन भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करवाएगा, इसीलिए मैं कैप्टन बना रहा हूँ। बाकी विल स्मिथ भी काफ़ी अच्छी चॉइस, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ से भाई ये भाई मेरी फाइनल टीम रहने वाली, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्विंटन डीकॉक विकेट कीपिंग सेक्शन में, जेम्स विंस बैटिंग सेक्शन में, और एलेक्स डिवाइस और विल स्मिथ। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो पॉल स्टिरलिंग, बेन ओवरऑल, लियाम लिविंगस्टोन। बात करें बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ से भाई क्रिस जॉर्डन, जॉर्ज गार्टन और पैट्रिक ब्राउन और जेक लिंटोट, भाई ये चार बॉलर हो गए मेरे पास। तो भाई ये हमारी फाइनल टीम है। बाकी अगर कुछ भी अपडेट होगी, कुछ भी चेंजमेंट होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।